हेलो टू फैमिली, गौरव सिंह आपका कोच होस्ट। आज हम बात करेंगे एक प्रोडक्ट के बारे में जिसको हम कहते हैं फॉर एवर ए बीटा के, जिसके बारे में मैक्सिमम लोग कहीं ना कहीं आज बात कर रहे हैं कि ऐसा क्या है इसके अंदर खास जो आपकी आई साइट को इम्प्रूव कर सकता है और आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को डे टू डे लाइफ में जो आपकी प्रॉब्लम आप फेस करते हैं उसको भी सॉल्व करेगा। सनलाइट, सन बात जो बहुत ही अमेजिंग है क्योंकि उससे आपका विटामिन डी मिलता है आपकी लाइफ में, बट ज़्यादा लेने पे एक ह्यूमिडिटी होने के साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर स्किन को वो डैमेज भी करता है। स्पेशली अगर आप एक ऐसे कंट्री से हैं जो कि गर्म कंट्री मानी जाती है, जैसे स्पेशली अगर हम बात करें इंडिया की, मिडल ईस्ट की, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और कहीं ना कहीं नेपाल की, इन सब एरियाज़ में, इन सब कंट्रीज़ में अगर आप रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपके हेयर, आपके नेल्स और आपकी स्किन, अगर आप ज़्यादा सनबाथ लेते हैं तो आपको इन तीन चीज़ों पे आपका जो स्किन, आपका हेयर होगा, आपका नेल होगा, इसको डैमेज करेगा। और कुछ टिप्स हैं जिसके थ्रू आप अपनी स्किन को हेल्थियर, ग्लोइंग स्किन बना सकते हैं। तो कुछ स्टेप्स अगर आप अपनी लाइफ में आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली उनके थ्रू आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। अप्लाई सनस्क्रीन सो दैट यू कैन एबल टू प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम यूवी रेज लाइट। अगर आप सनस्क्रीन अच्छे तरीके से अप्लाई करते हैं वो सनस्क्रीन जो आपकी बॉडी पे एक अच्छा टेक्सचर। सेकंड पॉइंट, स्टॉप स्मोकिंग विच रिड्यूस कोलेजन, जो एंड में आपको कहीं ना कहीं रिंकल्स लाने में हेल्प करेगा। सो अगर आप स्मोकिंग को छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने फेस को एक अच्छा ग्लो और टेक्सचर प्रोवाइड करने में हेल्प करेंगे। अदरवाइज अगर आप स्मोकिंग कंटिन्यू रखते हैं तो आपकी फेस के ऊपर रिंकल्स जल्दी आ जाएगा, जिसके थ्रू आपकी एज अगर 25 भी है तो भी कहीं ना कहीं आप 35 के लगेंगे। थर्ड थिंग, आपकी स्किन का ध्यान रखिए ताकि आपकी स्किन क्लीन रहे हमेशा, और डेली आप अपनी स्किन को अच्छी तरीके से तभी देखभाल कर पाएंगे जब आप अपनी स्किन को एक अच्छा मॉइस्चराइजर क्रीम लगा के बाहर निकलेंगे। और फोर्थ पॉइंट, आपके पास एक हेल्थी डाइट प्लान होना चाहिए जिसके थ्रू आप अपने लाइफ में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को इंटेक कर सकें, उनकी क्वान्टिटी को बढ़ा सकें और मोर लीन प्रोटीन खा सकें, जिसके थ्रू आपको एक अच्छा प्रोटीन मिलेगा, जिसके थ्रू आपकी बॉडी अच्छी तरीके से अपने आप को ग्रो करने में हेल्प करेगी। और आपकी बॉडी के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी आपके डाइट प्लान के अंदर, जिसमें वीट, बार्ली और प्लेंटी ऑफ वाटर आपको पीना पड़ेगा ताकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन से कभी भी आपको जूझ ना सके। फिफ्थ पॉइंट, आप अपने स्ट्रेस लेवल को हमेशा मेंटेन करके रखिए, अदरवाइज ये स्ट्रेस लेवल कहीं ना कहीं आपके लिए सबसे ज़्यादा हार्मफुल रहेगा, क्योंकि ये एक सबक बनता है और आने वाले टाइम के अंदर एक बड़ा रूप बनता है एक एक्ने का। हार्मफुल केमिकल्स आपकी बॉडी में इंटेक होते हैं और हेयर फॉल होने के सबसे ज़्यादा चांसेस इसके थ्रू होते हैं जब आप अपनी बॉडी पे या आप अपनी लाइफ में स्ट्रेस लेते हैं। सिक्स पॉइंट, फॉर एवर ए बीटा केयर इन सभी चीज़ों का सोल्यूशन है जो आज आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर डाला गया है विटामिन ए, विटामिन ई, मिनरल एंड सिलेनियम। सिलेनियम बहुत अच्छा एक टेक्सचर है आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी को एक अच्छा टेक्सचर प्रोवाइड करता है ताकि आपकी आई साइट अच्छी तरीके से इम्प्रूव रहे। विटामिन ई जो कि एक आई साइट और ब्लड सर्कुलेशन को हेल्प करता है बूस्ट करने में, विटामिन ई आपकी हेल्थी स्किन को मेंटेन करने में हेल्प करता है, मिनरल एंड सिलेनियम आपके हेयर फॉल, फॉलिक एसिड और आपके हेल्थी आई साइट को मेंटेन करने में हेल्प करेगा, डैंड्रफ फ्री रखेगा और आपके बॉडी में के अंदर आपको बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। अब मेन बात कहते हैं कि फॉर एवर ए बीटा केयर को लेने का सही तरीका क्या है। अगर आप पानी के साथ लेना चाहते हैं तो आपको एक दिन के अंदर दो टैबलेट आपको लेने हैं मॉर्निंग एंड नाइट, जिसको आप अगर आप एलोवेरा जेल के साथ आप कंज्यूम करते हैं तो इसकी ताकत को आप बढ़ा देते हैं, और बढ़ाने के साथ साथ इसको अगर आप एक से दो महीना या तीन महीना कंटिन्यू रखते हैं तो आप आपकी आई साइट को बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आई साइट वीक होती नहीं है बट ड्यू टू कंप्यूटर के सामने बैठने की वजह से उनकी आईसाइट वीक हो जाती है, तो अपने उस आई साइट को रिकवर कर सकते हैं अपनी एनर्जी को, क्योंकि ये आपके रेटिना को, जो आपकी आईज की रेटिना होती है उसको प्रॉपर तरीके से जो डैमेज हुआ होता है उसको रिकवर कर लेता है, जिसके बाद अच्छी रिकवरी हो जाने के बाद आपकी आई साइट प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाती है, जिसके बाद आपको किसी भी स्पेक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपसे वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम लेट्स इंस्पायर यू। थैंक यू सो मच।